कई बार होता है कि कोविड के पेशेंट्स को ये कहा गया है, ख़ास करके जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन पर बड़ा असर पड़ रहा है, उनके परेशानियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि होने वाले बच्चे को भी ये कोविड हो जा रहा है। तो क्या ब्लैक फंगस भी जो होने वाला बच्चा है, जो गर्भ में बच्चा है, उसे भी होने का डर है? नहीं, ये संक्रामित नहीं होता है, ना ये प्लासेंटा के थ्रू जा सकता है और ना ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। ये नहीं कि हवा में ही ये दूसरा मरीज के साथ, अगर उसका तीमारदार भी है तो उसको हो जाएगा। तो ये संक्रामित नहीं होता। ये जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये फंगस नॉर्मल फंगस है, जो कि नॉर्मली होता ही है। ये सेप्रोफिटिक फंगस है जो कि सॉयल में हर जगह मिलता है। इवन हम नॉर्मल अगर नाक का स्वाब लेंगे तो उसमें भी हमें म्यूकर मिलेगा। म्यूकर तभी, ये फंगस तभी अपना रूप दिखाता है जब वो लोकल इम्यूनिटी या सिस्टमिक इम्यूनिटी कम होती है। और उसके लिए ये है कि और ये फंगस इसलिए घातक होता है क्योंकि ये कैपिलरी के द्वारा अंदर इन्वेट करता है। इसीलिए मेडिकल परिभाषा में इसको कहते हैं एंजियो इन्वेजिव। एंजियो इन्वेजिव का मतलब है ये खून की जो कैपिलरी होती है छोटी छोटी, उसके अंदर घुसता है, और जब उसके अंदर घुसता है तो ये ब्लॉकेज कर देता है, इसकी वजह से खून की सप्लाई रुक जाती है। दूसरा एक हमारे साथ प्रश्न आपने डॉक्टर पूछा था साहब, कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान जो घरेलू नुस्खा है, और जो पेशेंट आते हैं, हमारे पास वेटिंग टाइम है हमारा सर्जरी का, सपोज 3 दिन के बाद होनी है सर्जरी, तो हम डायरेक्टली एंटी फंगल नहीं स्टार्ट करते। हम केवल उसको नेति बताते हैं, जल नेति। जल नेति एक ऐसी चीज है जिससे आप उसका लोड फंगस का कम कर सकते हैं। सिंपल होता है, जो सब लोग योगा में सिखाते हैं जल नेति, कि कैसे आपको जल लेती करना है जिससे कि नाक की धुलाई हो और उसका फंगल का लोड जो है, और अपनी शुगर को आप कंट्रोल करके रखिए 200 के नीचे, तो जिससे कि उसका एकदम से भयानक रूप ना आ पाए।